हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन, कच्ची से कलम तक। तो चलिए बनाते हैं मटन देसी और विदेशी स्वाद को मिक्स करके। क्यों देसी और विदेशी का स्वाद मिक्स है ये पूरी वीडियो में देखेंगे, और रेसिपी पसंद आएगी तो आप रेसिपी पे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसे ट्राई किया या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सामग्री। 250 ग्राम मटन लिया है। मटन को सरसों का तेल डाल के धुला है ताकि वो ताजा बना रहे। मटन के लिए ये स्पेशल टिप है, अगर मटन को ताजा रखना है तो उसको सरसों का तेल डाल के धुलिए। 3 चम्मच लिया है कर्ड, 3 से 4 प्याज काट करके, धनिया पत्ती, 1 टमाटर काटा है, इसके अलावा 1 पूरा लहसुन और अदरक के टुकड़े लिए हैं। चलिए अब फटाफट से मसालों को देख लेते हैं। गरम मसाला पाउडर है यहाँ 1.5 चम्मच, घर का पिसा हुआ नमक स्वाद अनुसार, 2 तेज पत्ते, 2 खड़ी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच स्वाद अनुसार, पोस्ता दाना 1 चम्मच और 1 चुटकी हल्दी। ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसको हम कूट के यूज करेंगे। तो खड़ा काली मिर्च है 7 से 8, 1 छोटी इलायची और 1/2 चम्मच शाहजीरा है। इसे अच्छे से कूट लेना है। ये इसका देसी तड़का, मटन में हम लोग इसे देसी तड़का देने वाले हैं, और विदेशी तड़का होगा टमाटर और दही डाल के। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बनाना। इस मटन की रेसिपी में सबसे खास बात यह है कि इसमें 2-3 ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ आपको, जिससे कि बहुत कम समय में बहुत ही टेस्टी मटन बनेगा। तो सबसे पहले कुकर को गर्म करके 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे देशी तड़का यानी कि शुद्ध देशी घी 1 चम्मच। किसी भी नॉनवेज की रेसिपी में अगर आप देशी घी का इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही निखर के आता है। तो मैंने इस्तेमाल किया 1 चम्मच शुद्ध देशी घी। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते और 2 खड़ी लाल मिर्च, जैसा कि मैंने सामग्री में दिखा दिया था, उसी को 1 by 1 हम लोग अब कुकर में डालते जाएंगे। तेज पत्ता और लाल मिर्च जब लाल हो जाएगी तब तक हम लोग जो खड़े मसाले लिए थे, काली मिर्च, शाहजीरा और 1 इलायची, उसे दरदरा कूट लेंगे और उसे कूट करके इसमें डालेंगे। उस समय जो ये सोंधी खुशबू मसालों की होती है ना, खड़े मसालों की, वो बहुत अच्छी आती है। तो ये फिर से हुआ देशी तड़का मटन में, कुछ खड़े मसालों को कूट के डालने से आता है देशी तड़का। अब जो पिसे मसाले डालेंगे वो विदेशी तड़का हो जाएगा। तो पिसे मसालों में आपने देखा है मैंने क्या क्या लिया है, ये डाल दिया इसमें फिर से विदेशी तड़का यानी कि पोस्ता दाना। पोस्ता दाना जो है वो ग्रेवी को बहुत ही गाढ़ा और थिक बनाता है, यानी कि ग्रेवी का टेस्ट भी बढ़ाता है और ग्रेवी का लुक भी अच्छा करता है। इसके बाद जिंजर गार्लिक और अनियंस यानी प्याज लहसुन अदरक जो हमने चॉप किया है, चॉप करके इसको यूज करेंगे, दरदरा काट लेंगे या चॉप कर लेंगे, उसे डालेंगे और हल्का सा यानी कि 2 से 3 मिनट इसको भूनना है। ये सारा प्रोसेस विदाउट वीडियो एडिटिंग है अभी तक, यानी कि आप देख सकते हैं कि पूरे 2 मिनट लगेंगे प्याज को पूरा भून लेने में, यानी कि बहुत कम समय में मटन बनने वाला। अब आगे जो टेक्निक बताने वाली हूँ उससे मटन बहुत ही कम समय में बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो अब प्याज को चलिए मिक्स कर लेते हैं। तो सब क्या क्या हमने डाला, सरसों तेल, शुद्ध देशी घी, पोस्ता दाना, प्याज लहसुन अदरक, तेज पत्ते, लाल मिर्च और कुटे हुए मसाले। अब इसको कर दिए मिक्स। अब बचा क्या, तो मटन बचा, दही बचा, टमाटर बचा और इसके अलावा बच गया सारा मसाला। तो अब इसमें आप बाकी चीजें ऐड कर लीजिए, मटन, दही, टमाटर और सारे मसाले, यानी कि धनिया, मिर्चा, हल्दी, नमक और गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, सारी चीजों को मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसको भूनना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मटन भूनेंगे नहीं तो देसी स्वाद कैसे आएगा। तो मैंने जैसा कि बताया कि हम लोग विदेशी तड़का दे रहे हैं, तो अब हम लोग कुकर को बंद कर देंगे और आंच को बिल्कुल लो फ्लेम करके बिना पानी डाले, मटन और प्याज जो पानी छोड़ेगा उस पानी से इसको पहले गला लेंगे। तो कुकर को बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद इसको 2 सीटी लगा लीजिए, 2 से 3 सीटी धीमी आंच पे। इससे क्या होगा कि मटन और प्याज गल जाएंगे। अब आप कुकर जब खोलिएगा तो आपको देखिएगा कि मटन और प्याज ने पूरी तरह से पानी छोड़ दिया है। तो फिर उसके बाद कुकर खोलने के बाद आप मटन को भून लीजिए मीडियम आंच पे, जब तक कि वो तेल ना छोड़ दे। इस ट्रिक से क्या हुआ कि समय बहुत कम लगा मटन को गलाने में और प्याज को गलाने में, और मटन बहुत ही इजी वे में गल के तैयार हो गया। बस 10 मिनट लगने वाला है आपको मटन को भूनने में, और उसके बाद मटन में डाल दीजिए 1 कटोरी पानी और कुकर को वापस से कर दीजिए बंद। बंद करके आपको लगाना है सिर्फ 1 सीटी। इस पूरे प्रोसेस में आपको लगने वाले हैं 20 से 25 मिनट, यानी कि 20 से 25 मिनट में बहुत ही यम्मी टेस्टी मटन तैयार। धनिया पत्ती से गार्निशिंग करना है इसको, रोटी, नान या चावल के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। चलिए अब देख लीजिए यम्मी मटन कैसा बना है, और अगर आप ट्राई करिएगा तो प्लीज मुझे
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन। नए यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी टेस्टी यम्मी रेसिपीज से सबसे पहले अपडेट मिल सके। तो आगे की वीडियो अपडेट करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे वीडियो से